यह बात है 1999 की। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा की शुरुआत की थी, अमृतसर लाहौर बस सेवा। अमृतसर लाहौर बस सेवा प्रारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं बस में सवार होकर लाहौर तक की यात्रा की थी। लाहौर पहुंचने के बाद भारत के पीएम का वहां जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां के गवर्नर हाउस में जबरदस्त भाषण दिया था और पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं, इतिहास बदल सकते हैं पर भूगोल नहीं। इस भाषण की चर्चा पूरे विश्व में थी और अटल जी को काफ़ी तारीफ भी मिली थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए पहल की। और खुद बस में बैठकर एक प्रधानमंत्री एक देश से दूसरे देश जाता है, इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। भाषण के पश्चात लाहौर में ही वो एक पत्रकार से मिले जो कि बहुत ही खूबसूरत पत्रकार थी। वो सवाल पूछने आई, उस महिला पत्रकार ने अटल जी से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप तो कुंवारे हैं, क्या आप मुँह दिखाई में मुझे कश्मीर गिफ्ट करेंगे? अब सोचिए, एक भारत के प्रधानमंत्री जो कि पाकिस्तान में शांति का माहौल स्थापित करने गए हैं कि कश्मीर में भी शांति हो, और उनसे एक महिला पत्रकार यह पूछती है कि मुँह दिखाई में क्या आप मुझे कश्मीर गिफ्ट करेंगे। अमूमन अगर कोई और व्यक्ति होता तो शायद उससे गुस्सा होता या नाराज होता या थोड़ा शक पका जाता, लेकिन हमारे अटल जी तो खुद ही एक ज्ञानी विद्वान और वाक्पटुता में माहिर थे। उन्होंने बड़े ही ठिठोलेपन से कहा, जरूर, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है, अतः मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा, मुझे दहेज चाहिए और दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। जैसे ही महिला पत्रकार ने अटल जी की ये बात सुनी, तुरंत बात पलट गई, क्योंकि इसके बाद उसके पक्ष से जवाब देने को कोई नहीं था। खैर चलिए, जो कुछ भी हुआ उससे एक सवाल तो साफ है, अटल जी दोस्ती करने में तो यकीन रखते थे, लेकिन भारत की अखंडता और संप्रभुता से किसी भी तरह का खिलवाड़ या सौदा किए बिना ही वह आगे बढ़ना चाहते थे। यही बात उनकी बहुत ही खूबसूरत थी। अटल जी ने भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी अस्थिरित अटल जी ने भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते कायम किए थे और भरसक प्रयास किया था उन्होंने कि पाकिस्तान से भी भारत के अच्छे रिश्ते बने। और वो एक दौर था जब अटल जी ने विश्व के पटल पे भारत को एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल किए थे, जिसको उसके बाद के नेताओं ने कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन भारत को ग्लोबली अगर पहचान दिलाने की बात करें तो अटल जी ने उसमें काफ़ी सफलता पाई थी। तो ये था rebellionvoice.com की एक खास प्रस्तुति अटल जी के ऊपर। इसी महीने अटल जी का जन्मदिन है, तो हम वैसे महान पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहाँ भी रहें, खुश रहें, भगवान उनको शांति दें। आप rebellionvoice.com से जुड़े रहिए, खुश रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।